अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा किस तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं बगैर अपना प्रोडक्ट कोई, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोडक्ट लॉन्च करना हो उसके बगैर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप लोग को एक वेबसाइट बताता हूँ, admifast.com। इस पर आप लोग जाएंगे, जो फर्स्ट लिंक होगा उसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह के एक डिस्प्ले ऑन होगा, आई एम नॉट अ रोबोट ह्यूमन वेरिफिकेशन। इस पर क्लिक करें, हमने क्लिक किया, बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, रहने दिया। इस वेबसाइट में आप लोग जो है सोशल मीडिया की सर्विसेज को अर्न करेंगे और उसे आगे सेल करेंगे, ठीक है। मैं आपको और सारा डिटेल में बताता हूँ किस तरह होगा। ये हमने वन स्टेप वेरिफिकेशन कर दी, ये देखें, ये हमारे हमने इसके जो है फ्रंट एंड ओपन हो गया। यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, यहाँ आप ईमेल लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ईमेल हम लोगों ने अपना लिख दिया और अब नीचे पासवर्ड लिखना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालें। मैं पासवर्ड लगाता हूँ, देखते हैं, ये मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया। तो अभी इस पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। बहुत तेज हो रहा है। सही है, इस पासवर्ड को अब हम चेंज करते हैं। इसमें 8 लेटर यूज़ करने हैं, एक बड़ा लेटर यूज़ कर लें और एक साइन यूज़ कर लें, ठीक है। तो नीचे भी हमने कर लिया इसी तरह, सेम पासवर्ड लिखना है, यहाँ सेम पासवर्ड ऊपर वाला, वेरिफिकेशन दे और यहाँ से साइन अप करें। ये हमने साइन अप कर लिया, पासवर्ड सेव कर लिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इधर से हमने जाना है जी मेल पर अपनी, ठीक है, उधर मेल आई होगी उसे वेरीफाई करना है। हम चलते हैं अब जी मेल पर अपनी, यहाँ से हमने जी मेल को किया ओपन, तो ये हमारे पास यहाँ एक मेल आई होगी एडमी फास्ट वालों की मेल, इसे हम लोग को ओपन करना होगा। इस मेल को हमने किया ओपन, तो यहाँ से हम वेरीफाई कर देंगे, तो सक्सेसफुली हमारी जो है वेरिफिकेशन हो गई है। अब यहाँ से लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद ये हमारे से एग्रीमेंट लेगा, इसे एग्री कर दें। यहाँ से हमने एग्री किया तो हमें ये अब ले जाएगा अपनी वेबसाइट पे। देखिए यहाँ से हमारे पास बहुत से ऑप्शन इसने दिए हैं, ऊपर सारे क्वींस होंगे, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर FB पेज यानी दूसरों के हम लोगों ने जो है FB पेज को लाइक करना है, पोस्ट को लाइक करना है, यूट्यूब हैं, वेबसाइट्स हैं, बहुत से ऑप्शन है इधर, टिकटॉक भी अवेलेबल, ट्विटर भी, टेलीग्राम भी। यहाँ से हमने यूट्यूब के सब्सक्राइबर पे क्लिक किया, तो यहाँ से मैं आपको चला के बता देता हूँ किस तरह ये वर्क करती है। सब्सक्राइबर पे क्लिक करना है, बहुत इजी वर्क है, यूज़र फ्रेंडली है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें इसे यूज़ करने में। ये हमारे पास ओपन होगी वेबसाइट, तो अब ये देखें, उन्होंने हमें एक चैनल दिया, हमने इसको जस्ट सब्सक्राइब करना है क्योंकि हमने सब्सक्राइब का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, हमने सब्सक्राइब कर लिया। तो ये देखें जो क्वींस हैं वो हमारे ऐड हो रहे हैं, पॉइंट्स हमारे ऐड हो गए। दोबारा एक और करके दिखाता हूँ, सब्सक्राइब इधर आप लोगों ने सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, तो हमारे पास फिर से एक और न्यू टैब ओपन हो जाएगा जहाँ पे एक यूट्यूब चैनल होगा। इसी तरह हम जैसे सब व्हाट्सअप होते हैं उसी तरह ये वेबसाइट के थ्रू होते हैं, यहाँ पर हम कोइन अर्न कर लेंगे, ठीक है, और इससे फिर हम लोग खुद के भी चैनल पे भी सब्सक्राइबर ले सकते हैं, या टिकटॉक आईडी पे लाइक फॉलोअर्स, और हम आगे बाय भी सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग FB पोस्ट लाइक करके, फेसबुक के फॉलो करके, लाइक करके यहाँ पे कोइंस को अर्न करेंगे, ठीक है। ये डेली बोनस भी ये लोग होते हैं, अगर 400 आप क्लिक करते हैं या उससे ज़्यादा तो आपको डेली बोनस मिलता है, यानी पॉइंट्स मिलते हैं आपको कुछ। तो इसी तरह आपने अगर कोइंस बाय करने तो ये भी है पॉइंट्स बाय करने का वे, अगर आपने अपनी ऐड लगानी है इधर इनके FB पे, इनकी वेबसाइट पे तो ऐड भी लगा सकते हैं। माय साइट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ऐड का ऑप्शन आ रहा है, हमने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ हम लोगों ने सेलेक्ट कर लें जो भी हम लोग को सर्विस चाहिए, इधर जो भी सारी अवेलेबल है, मैंने यूट्यूब के सब्सक्राइबर पे क्लिक किया। टाइटल में आप लोगों ने चैनल का नेम लिख देना है, ID लिख देनी है, ठीक है। उन्होंने बताया कि यूट्यूब की ID जो आगे होती है लिंक के आगे, वो यहाँ पेस्ट करनी है। तो ये सिंपल सा था जिसमें आप लोग सेल करके पहले इस पर आप लोग क्वींस बना ले ज़्यादा सारे, फिर आप लोग आगे व्हाट्सएप के ग्रुप्स ज्वाइन करें, FB ज्वाइन करके वहाँ अपनी पोस्ट लगाएं कि हमारे पास सब्सक्राइबर अवेलेबल है, अपनी प्राइस नीचे ड्रॉप करें,
और जैसे आपके पास कस्टमर आए, आप यहाँ से उनके लिंक लगाएं और उन्हें उनकी जो सर्विसेज होनी चाहिए उन्हें प्रोवाइड करें। इस तरह आप लोग विदाउट किसी स्किल्स के अर्न कर सकते हैं।